सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि लाइफलाइन क्या होता है और यदि आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इससे रूबरू होना पड़ता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि लाइफलाइन क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा व्हाट इज़ अ लाइफलाइन। सेकेंड क्वेश्चन होगी हमारी टाइप्स ऑफ लाइफलाइन। थर्ड क्वेश्चन होगा मेथड ऑफ यूज लाइफलाइन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा हाउ टू कैलकुलेट SWLF लाइफलाइन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एस लाइफलाइन का डिफिनेशन क्या है। तो द लाइफलाइन इज ए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का एक पार्ट होता है या हम उसे कहते हैं, और ये एक प्रकार से हमें इंश्योर देता है और गारंटी देता है कि आप जब भी कोई भी काम करते हैं या वर्टिकली करते हैं या हॉरिजॉन्टली करते हैं तो हमें एंकरिंग करने के लिए, हमारे हार्नेस को एंकरिंग करने के लिए एक ये सेफ्टी वो हो जिसके माध्यम से हम अपने लेनियार्ड को या हार्नेस को उसमें या कैरेबिनर जो होते हैं उसको हम कनेक्ट कर पाएँ ताकि हम आसानी से अपने कार्य को कर पाएँ और हम सेफ रह पाएँ। मतलब इंश्योर हो जाएं कि हाँ हम यहाँ से हमें गिरने के चांसेस नहीं हो या न के बराबर हो। जैसे फॉल अरेस्टर क्लैंप यूज़ करते हैं हम वर्टिकल लाइफलाइन में। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लाइफलाइन, यानी लाइफलाइन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप लाइफलाइन बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन। हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन आप फिगर के माध्यम से भी देख के समझ जाएंगे। जो दूसरा होता है वो होता है वर्टिकल लाइफलाइन। वर्टिकल लाइफलाइन हम जब भी किसी टावर या ऐसे किसी भी हायर पोजीशन पर जब चढ़ के काम करते हैं वहाँ यूज़ करते हैं। एक होता है परमानेंट एंड टेम्प्रोरी। परमानेंट आप देखे होंगे वो हमेशा फिक्स रहता है, फिगर्स में आपको दिख रहे होंगे। और एक होता है रिगिड और फ्लेक्सिबल, और इस ये भी आपको फिगर के माध्यम से देखने में आप समझ जाएंगे। हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है मेथड ऑफ यूज लाइफलाइन एंड सेफ्टी फैक्टर, यानी हम कैसे लाइफलाइन को यूज़ करते हैं, उसके पहले हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट चेक्ड ऑल लाइफलाइन रोप एंड इक्विपमेंट्स। यदि हम लाइफलाइन रोप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उन सबको चेक करना है। यदि हम वायर सलिंग यूज़ कर रहे हैं तो भी उसको चेक करना है। उसके साथ ही उसके जो डिसाइकल्स वगैरह लगते हैं वो इक्विपमेंट को चेक करना है। वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है कि नहीं ये भी चेक करना है। और सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट मेजर रूप से देखना है। आपको एंकर पॉइंट देखना है, दोनों एंकर पॉइंट, कनेक्टिंग डिसाइकल्स देखने हैं, आपको फॉल अरेस्टर क्लैंप देखना है प्रॉपर तरीके से लॉकअप हो रहा है कि नहीं, लोड कैपेसिटी कितना वेयर कर रहा है ये देखना है, सेफ्टी हार्नेस चेक करना है, और सेफ्टी फैक्टर आपको एटलीस्ट और दो गुने लेके चलने हैं। हाउ टू कैलकुलेट SWL ऑफ लाइफलाइन। लाइफलाइन का हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि हमारे पास वायर स्लिंग रोप है तो बहुत ईजिली हम D into 8 के माध्यम से, जो एक इसका फॉर्मूला होता है, इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि इसका SWL कितना होगा। यदि हम PP रोप का यूज़ कर रहे हैं तो एज़ पर स्टैंडर्ड कम से कम 16 mm से ऊपर होना चाहिए, तभी हम उसको लाइफलाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर इस पर विस्तृत वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, अदरवाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।